देखिए ये तो दी थाने क्लब है और यहाँ पे जो फैसिलिटी है जो स्विमिंग पूल का है, ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है और यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है। लेकिन आज जो मदर्स डे स्पेशल है, मैं सब मदर्स को मैं सलाम करता हूँ और मेरा भी मम्मी है, उनको भी 83 इयर्स ओल्ड है। और आज के दिन में जो वाटर जुम्बा प्रोग्राम जो कर रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेडीज़ और गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहा है और ये जो एक्सरसाइज है ये लो इम्पैक्ट एक्टिविटी है। और इसके जो इम्पोर्टेंस क्या है कि सारा बॉडी पार्ट आपका काम करेंगे, लेकिन यू नो जॉगिंग और बाकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो बहुत मेहनत लगता है इसमें थोड़ा मेहनत कम लगता है, लेकिन ये कार्डियोवैस्कुलर के लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरा क्या है कि ये बॉम्बे के अंदर ऐसे स्विमिंग पूल बहुत कम है और महाराष्ट्र में स्विमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि स्टेट लेवल के लिए यहाँ पर स्विमिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आगे जो नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन के लिए मेरे फ्रेंड्स के कुछ बच्चे लोग बेंगलुरु गए थे और वहाँ पे 11th 12th पढ़ के और स्विमिंग भी उन लोग आगे करके नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है। और इधर इतना अच्छा फैसिलिटी है कि फ्यूचर में ये नेशनल लेवल पे यहाँ पे भी कंपटीशन होना चाहिए और इसी तरह एक्टिविटीज होते रहेगा और अपने हेल्थ और सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये सब चीज़। मदर्स हमेशा बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहती है और मैं चाहती थी कि बच्चे अपने मदर्स के साथ ये इवेंट सेलिब्रेट करें, क्योंकि यूजुअली मदर्स डे पे या कोई भी सेलिब्रेशन में लोग बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, पर कोई फिटनेस इवेंट यूजुअली नहीं होती है। और मदर, मैं सोचती हूँ कि पावर हाउस ऑफ द फैमिली होती है। मदर्स की वजह से ही नेक्स्ट जनरेशन में जो भी फूड पैटर्न होती है या लाइफस्टाइल होती है सब मदर्स की तरफ से जाती है। और मदर्स वो है जो अपना फिटनेस हमेशा लास्ट में दिखती है, पहले फैमिली का ध्यान रखने में ही बिजी रह जाती है। इसलिए मुझे लगा कि मदर्स डे पर फिटनेस इवेंट होना चाहिए ताकि बच्चे अपने मदर्स को भी समझाए कि फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी, क्योंकि अगर वो फिट रहेगी तो पूरा फैमिली फिट रहेगा। इसलिए मदर्स डे पे मुझे फ़िटनेस इवेंट रखना था, इसलिए हम लोग ने थाने क्लब में ये, और मदर्स यूजुअली फ़िटनेस इवेंट में या कहीं भी वर्कआउट करने में या जिम जाने के लिए हमेशा बहुत कतराती है। सो ये इवेंट में म्यूज़िक है, डांसिंग है, इसलिए मैंने सोचा कि मदर्स डे पे ऐसी कुछ इवेंट होनी चाहिए जिसमें उनको भी मज़ा आए और उनके बच्चों के साथ वो एंजॉय कर पाए। एक्वा जुम्बा एक दिलचस्प एक्सरसाइज रूटीन है जो पानी में एक्चुअली होता है। और ये जो हम लोग जनरली वर्कआउट करते हैं लैंड पर, जहाँ पर हमारे घुटनों पे जॉइंट्स है ना, वो उसमें बहुत इम्पैक्ट होता है, पानी में ये नहीं होता है, तो इसलिए ये बहुत ही सेफ़ है एंड इट्स फन। इसमें बहुत सारे अच्छा म्यूज़िक रहता है और म्यूज़िक में हम लोग इंस्ट्रक्टर्स ऐसे मूव्स लाते हैं जहाँ पे आपके मसल्स वर्क हो और इससे आपका कैलोरी बर्नआउट बहुत अच्छा होता है। सो इट्स अ रियली गुड वर्कआउट। कब से जुड़े हैं के बारे में आप, कंपनी की तरफ से कितने टाइम से आप जुड़े हैं? एक्चुअली एक्वा जुम्बा जो है वो बहुत सालों से चल रहा है और इंडिया में बहुत टाइम पहले आ चुका है। और जैसे शिवानी ने कहा है, हम लोग बहुत ये इवेंट बहुत सारी जगह किए हैं और पहली बार थाने क्लब में कर रहे हैं।